हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? जैसे कि आपको पता ही है कि त्योहारों का मौसम आ चुका है। अब हम त्योहारों पे घर पे मिठाइयाँ बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने खोया बना लेना है दूध से, और उससे हम अलग अलग तरह की आपको मिठाइयाँ बना के बताएंगे। सबसे पहले हमने फुल क्रीम दूध ले लेना है 2 किलो। इसको हमने कढ़ाई में डाल लेना है। अब इसको हमने मावा बनाना है। 1-1.5 घंटा लगेगा। इसको कंटिन्यूसली हिला के इसको गाढ़ा करेंगे दूध को, फिर इसका मावा बनेगा। उससे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनेंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए, दूध अब गाढ़ा हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हमने और गाढ़ा करके ये हमारा खोआ अब 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। 1 घंटे से हमें इसको चला चला के ये खोआ बन रहा है हमारा। एक ही खोए से हम ढेर सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को घर पे बना सकते हैं तो फिर बाजार से क्यों लाना। थोड़ी सी मेहनत करके हम घर पे ये खोया तैयार करेंगे। देखिए, खोया हमारा कितना दानेदार बन रहा है। अब ये खोया हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा घर पे खोया तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले हमने इससे गुलाब जामुन बनानी है। हमने 200 ग्राम खोया अलग निकाल लेना है। इस खोए से हम गुलाब जामुन तैयार करेंगे। ये खोया हमने पैन में निकाल लेना है, क्योंकि ये ताज़ा खोया है इसलिए थोड़ा नरम है। तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब खोया हमारा भुन चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हमने 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच मैदा डालना है। दो चम्मच सूजी हो गई और 2 चम्मच मैदा। इसको अच्छी तरह से भून लेना है और मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये हमारी गुलाब जामुन बनके रेडी होगी। सिर्फ इसको 2 मिनट तक भूनना है, उससे ज्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। ये देखिए, इस तरह से टाइट कर लेना है इसको। 250 ग्राम मैंने खोया लिया था, तो 2-2 चम्मच का ही मेजरमेंट डालिए इसमें, ज्यादा या कम मत डालिए, ताकि गुलाब जामुन आपकी सही त्योहारों में तैयार हो जाए। जब तक ये बैटर ठंडा होता है, तब तक हम 1 कटोरी चीनी से और 1 कटोरी ही पानी डाल के एक तार की चाशनी बनाएंगे। 1 कटोरी इसमें पानी जाएगा और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी में हमने फ्लेवर के लिए 2 इलायची और थोड़ा सा केसर डाल देना है, ताकि उसका रंग अच्छा हो जाए। इस खोए वाले मिक्सचर में हमने 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देना है, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस पेस्ट को हमने मल के इसके छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। अब इस पेस्ट के हमने छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। ऐसे हमने बॉल्स बनानी है, छोटी ही बॉल्स बनानी है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ तो वो फूलने की वजह से बहुत ज्यादा साइज बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने छोटी बॉल लेनी है। ऐसे सारे हमने ऐसे ही तैयार कर लेनी है।
ध्यान रहे कि कोई भी इसमें क्रैक ना हो, नहीं तो गुलाब जामुन फट जाती है तेल में जाने से। ऐसे डाल के हमने ऐसे सारी गोले तैयार कर लेने हैं। तेल को चेक कर लेंगे, तेल गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें गुलाब जामुन तलने के लिए डाल देंगे। आंच हम मीडियम रखेंगे। ये गुलाब जामुन हमारी बिल्कुल चाशनी में रेडी हो चुकी है। अब हम इनको सर्व कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी गुलाब जामुन खोए से हमने बनाई है। सर्व कर देंगे। देखिए कितना जूसी गुलाब जामुन बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।